करने वाले हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से, दैट इज़ चैप्टर 12 बायोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपने पढ़ा होगा पहले के चैप्टर में कि वो डील करता है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किन चीज़ों के साथ डील करता है, बेसिकली डील करता है कि जो इंडस्ट्रियल स्केल पे आपके बायोफार्मास्यूटिकल्स होते हैं या फिर आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स या फंजाई या प्लांट्स या एनिमल, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब किस किस जगह पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जो आपके हैं थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स मतलब किसी चीज़ को, बीमारी को पकड़ने में, डायग्नोस करने में थेरापेटिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर के लिए ऐसी क्रॉप्स बनाना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हों, प्रोसेस फूड में, बायो रिमेडिएशन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में और एनर्जी प्रोडक्शन में, इन सब चीज़ों में क्या है आपका बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होता है। और उसके बाद है 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया, जो 3 मेन एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के। पहला है बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। कि आप बेस्ट कैटलिस्ट मतलब किसी भी रिएक्शन या किसी भी प्रोसेस में को फास्टन अप करें, लेकिन ये कैटलिस्ट कहाँ से आएगा, ये माइक्रोब या प्योर एंजाइम की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसी ऑप्टिमल कंडीशन देना किसके थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, कि मतलब आपका जो कैटलिस्ट है वो एक्ट कर सके, लेकिन उसके लिए आपको इसको प्रॉपर कंडीशन देनी है। और उसके बाद है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्रोटीन यूज़ करने वाले हो उसके लिए आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी दोगे। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बींग ने बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है और किस क्या कहते हैं कैसे फूड प्रोडक्शन या हेल्थ में सबका फ़ायदा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, अब उसमें लिखा है कि अगर आप 3 पॉइंट्स को देखो तो पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब आपका एग्रीकल्चर है लेकिन क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड है। हम 3 तरह के वो देखने वाले हैं ऑप्शंस जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और उसके बाद है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब एक तो है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज़ होगा और आपका क्या होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का आइडिया है, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसने क्या किया था, सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। मतलब उसने फूड सप्लाई को ट्रिपल तो कर दिया था, बट तब भी वो इनफ नहीं था कि वो जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है या फिर जो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन उसको फीड कर सके। इंक्रीज यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज़। जो यील्ड बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है, अगर कोई चीज़ की मतलब प्रोडक्शन बढ़ी है या कुछ भी बढ़ा है तो इसलिए क्योंकि क्रॉप वेराइटीज़ अच्छी हुई है, बट मेनली क्योंकि बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज यूज़ हुई हैं एंड बेटर यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स हुआ है। अगर हम बात करते हैं फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, मतलब जो फार्मर्स हैं नॉर्मल, जो देश हैं डेवलपिंग देश हैं या जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, जहाँ के फार्मर थोड़े गरीब हैं, उनके लिए जो ये एग्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है, जो भी केमिकल्स फसल वगैरह में डालते हैं, ये एक्सपेंसिव हैं। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। मतलब कि जो यील्ड में फर्दर इंक्रीज़ हो रहा है ये भी पॉसिबल नहीं है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के साथ। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मतलब जो वो मेथड यूज़ करते हुए आ रहे हैं किसी भी चीज़ को बनाने का या किसी क्रॉप को क्या कहते हैं फॉर्म करने का, वो बिल्कुल वो इनफ नहीं है उस जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। इज देर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ, मतलब क्या कोई दूसरा रास्ता है, या जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग से हम शो कर सकते हैं कोई ऐसा तरीका जिससे जो यील्ड है, मैक्सिमम यील्ड है, वो बढ़ जाए। इज देर अ वे टू मिनिमाइज, मतलब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम हो या फिर केमिकल का यूज़ कम हो और जो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट पे वो रिड्यूस हो जाए। यूज़ ऑफ GMC यानी यहाँ पे तो लिखा है यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्शन भी बढ़े और पेस्टिसाइड्स पे खर्चा ना हो, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक बेटर और पॉसिबल सॉल्यूशन है। जो प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, जिनके जीन्स ऑल्टर्ड होते हैं मैनिपुलेशन से, उनको हम कहते हैं GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GM प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज, जो ये आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं ये यूज़फुल होते हैं कई तरह से।
जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसका क्या फ़ायदा होता है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। अगर आपके किसी प्लांट में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है या ऑलरेडी वो प्लांट जेनेटिक मॉडिफाइड है, तो वो जो क्रॉप होगी ना वो नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर टॉलरेंट होगी किसके कोल्ड ड्रॉट और सॉल्ट हीट के लिए, और जो रिड्यूस उनका डिपेंडेंसी हो जाएगी किस पे, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे। और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं ना, मतलब जैसे हार्वेस्ट करने के बाद या क्रॉप्स को बनाने निकलवाने के बाद, वो कम हो जाएंगे और मिनरल यूसेज जो होता है प्लांट का वो भी बढ़ेगा। और दूसरा उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जैसे कि विटामिन ए एंड रिच राइस, ये सब फ़ायदे होंगे क्योंकि ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। इन एडिशन टू दीज यूज़, GM हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लान टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज़। मतलब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी चीज़ें हैं ना, ये उनको हेल्प कर रही हैं इंडस्ट्रीज़ को सोर्स देने के लिए, जैसे कि स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्माकेटिकल्स। हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल और द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मतलब आप पढ़ने वाले हो कि जो जो अगर हम किसी प्लांट को मॉडिफाई कर देते हैं तो उसके बाद उसमें क्या फ़ायदा होता है। पहला तो ये है कि वो प्लांट जो होता है वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज़ हुआ है उसको कम करता है। बीटी टॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस बाय, अब जो ये बीटी टॉक्सिन है ये एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं बेसिलस थेरिंजिनेसिस, बीटी फॉर शॉर्ट। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया। ये जो जीन है ना ये क्लोन करा है किससे, बैक्टीरिया से, और उसको उसके बाद प्लांट में एक्सप्रेस कर दिया है ताकि क्या हो, रेजिस्टेंस मिले किससे, इंसेक्ट से, विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। मतलब ये बीटी को आपने एनिमल से निकाला और उसको प्लांट में डाल दिया ताकि वो रेजिस्टेंस दे किसी भी इंसेक्टिसाइड से या फिर इन अफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड। तो आपको ऑलरेडी एक बायोपेस्टिसाइड मिल गया, आपने बाहर से कोई केमिकल नहीं डाला, आपको प्लांट के अंदर से ही प्लांट की इम्यूनिटी मिल गई। एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। तो ये सब उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में बीटी कॉटन। नाउ बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थेरिंजिनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म, कोलोपिटेरेंस, बीटल्स एंड डायपिटेरेंस, फ्लाइज, मॉस्किटोज। मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं बेसिलस थेरिंजिनेसिस के जो प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, और किस तरह के प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ तरह के सर्टेन इंसेक्ट्स को किल करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिलस थेरिंजिनेसिस है ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन क्रिस्टल बना लेता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ये जो बेसिलस थेरिंजिनेसिस है ये एक पर्टिकुलर क्या बनाता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स बना लेता है अपने ग्रोथ के टाइम पे। दीज क्रिस्टल कंटेनर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना जो वो बनाता है उसमें कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं, मतलब इंसेक्ट को ख़त्म करने वाले प्रोटीन। और ये व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, मतलब जिस एनिमल के अंदर ये बेसिलस होता है, सॉरी जिस एनिमल के अंदर ये टॉक्सिन होता है उसको खुद क्यों नहीं मारता, क्योंकि द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। देखो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ किसी को मार रही है, मतलब वो और इंसेक्ट्स को तो मार रही है, लेकिन जो बैक्टीरिया या जो भी एनिमल या जो भी चीज़ इसको प्रोड्यूस कर रही है उसको खुद ख़त्म क्यों नहीं कर रही। तो इसमें लिखा है कि जो ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है ना ये एक इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में वर्क करता है, मतलब वो टॉक्सिन पूरी तरह से हुआ नहीं है, अभी प्रोटोटॉक्सिन है, पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में है पर जैसे ही कोई इंसेक्ट उसको इंजेस्ट करेगा, मतलब खा लेगा, वो जो टॉक्सिन इनएक्टिव था ना अब वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और एक्टिव फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हुआ वो, क्योंकि जो गट था, मतलब जो भी पेट था या गट उसका जो मुँह के साइड का एरिया था, उस वहाँ पर अल्कलिनिटी थी, वहाँ का पीएच अल्कलाइन था, उस अल्कलिनिटी की वजह से जो प्रोटोटॉक्सिन था वो अब एक्टिव फॉर्म में हो गया और वो सॉल्युबलाइज कर देता है क्रिस्टल को। ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है ये सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल, ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये बाइंड करता है, मतलब ये बाइंड कर जाता है किसके साथ, जो मिडगट में एपिथेलियल सेल है, ठीक है, जो गट में एपिथेलियल सेल है उसके साथ बाइंड कर जाता है और फिर वो क्रिएट करता है पोर्स। उसके बाद वो क्रिएट करता है पोर्स एंड दैट कॉजेज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, उसकी वजह से सेल फूलते हैं और लाइसिस मतलब थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बीटी टॉक्सिन पहली बात तो क्या है, दूसरी बात ये आता है कि जो इंसेक्ट
इसको रिलीज़ करता है या फिर जो पहले इनएक्टिव था वो कैसे एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थेरेंजेनेसिस। कुछ बीटी टॉक्सिन की जीन्स हम आइसोलेट करते हैं कहाँ से, बेसिलस थेरेंजेनेसिस में से, ठीक है। कुछ बीटी टॉक्सिन जीन आपने आइसोलेट करे एंड इनकॉर्पोरेटेड इन टू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। उसके बाद आपने उसको कहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया, कई सारे प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, जैसे कि कॉटन में। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप, और हम कौन सा जीन लेने वाले हैं वो डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप है और क्या हमारा टारगेट पेस्ट है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्योंकि ये ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक सब पे काम करेगा, कुछ के ग्रुप कुछ पे ही काम करते हैं, इसलिए इसमें लिखा है कि इट इज़ इंसेक्ट स्पेसिफिक। ये जो टॉक्सिन है ये कोड होता है जीन नेम क्राई से, ठीक है। इस टॉक्सिन है ये क्राई जीन से कोड होता है और वहाँ पे और इधर नंबर ऑफ देम, और बहुत सारे नंबर ऑफ देम हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन्स, जो भी प्रोटीन ये और ये एनकोड करते हैं वो कॉटन वॉर्म्स को या फिर इसको कंट्रोल करता है, मतलब कि क्राई टू ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म्स, दैट ऑफ क्राई वन ए बी कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो ये उन्हीं पर वर्क करेंगे जो वो स्पेसिफिक जिसपे वो मतलब स्पेसिफिक जिसके लिए हैं। तो इससे पूरा एक्सप्लेन हो गया कि कैसे कोई चीज़ वर्क करती है। नीचे एक डायग्राम दिखाया हुआ है कॉटन का, इसमें दिखाया कि कॉटन बॉल जो है वो किसने ख़राब कर दी, बॉल वॉर्म ने, और ये है फुली बॉल वॉर्म जो मैच्योर कॉटन बॉल है, ठीक है। रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में इसमें लिखा है कि कुछ नेमाटोडा पैरासाइट्स, मतलब ये कैटेगरी है, ये जो पैरासाइट्स हैं ये, मतलब ये नेमाटोडा क्या करते हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब उनके ऊपर रहते हैं, उनकी न्यूट्रिशन लेते हैं। एक नेमाटोडा है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, मुझे नहीं पता प्रोनंसिएशन एग्जैक्ट ये है कि नहीं, बट मैं इसको यही बोल रही हूँ। ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। ये जो नेमाटोडा है ये टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यील्ड में या प्रोडक्शन में। तो मतलब जो प्रोडक्ट जो यील्ड है वो काफ़ी कम प्रोड्यूस होती है, काफ़ी कम होती है। अब उसमें लिखा है अ नोवल स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड, एक स्ट्रैटेजी यूज़ हुई थी ताकि ये ना हो, प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन, जो बेस था कि ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंसेस, मतलब एक आरएनए आई करके एक प्रोसेस है वो यूज़ हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ ना हो। आरएनए आई क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंसेस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इन सब में होता है, हर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म्स में, कैसा, एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, मतलब वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह या मेथड की तरह यूज़ होता है सारे यूकैरियोट्स में, क्या, आरएनए इंटरफेरेंसेस। ये जो मेथड है इसमें क्या होता है, साइलेंसिंग हो जाती है एक स्पेसिफिक एमआरएनए की, मतलब एक एमआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए, उसकी साइलेंसिंग हो जाती है किस वजह से, ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए। तो आपके एमआरएनए की साइलेंसिंग हो रही है क्योंकि एक डीएसआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए प्रेजेंट है। और ये जो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए है मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। जो mRNA है उसकी साइलेंसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DSRNA है वो बाइंड कर रहा है और ट्रांसलेट होने से प्रिवेंट कर रहा है, और ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, प्रिवेंट ट्रांसलेशन, इसको साइलेंसिंग बोला गया है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस, मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA है ये किसी, इसका सोर्स हो सकता है कि किसी वायरसेस से ये आ जाए या फिर किसी इन्फेक्शन, किसी वायरस के इन्फेक्शन से आ जाए, जिसमें RNA जीनोम या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ये जो जेनेटिक एलिमेंट जब मोबाइल होता है मतलब इधर से उधर जंप कर सकता है, तो उसको ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये RNA कॉम्प्लीमेंट्री RNA किसी भी वायरस से आ सकता है या फिर किसी इन्फेक्शन से आ सकता है जो वायरस ने किया हो, ठीक है। और फिर क्या करता है ये, यहाँ पे लिखा है आगे, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स। अगर हम बात करें एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स की, नेमाटोडा स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है। आपके जो एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स हैं हम वो यूज़ करके नेमाटोडा स्पेसिफिक जीन्स, इन स्पेसिफिक जीन्स को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन द होस्ट सेल। अब हुआ क्या, आपने उसके अंदर जीन तो डाल दिया होस्ट प्लांट के अंदर, लेकिन जो ये DNA आपने इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से सेंस और एंटी सेंस RNA दोनों प्रोड्यूस हुए, ठीक है।
दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों आरएनए एक सेंस हुआ, एक एंटी सेंस आरएनए फॉर्म हुआ, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो उन्होंने एक डबल स्टैंडर्ड डीएस आरएनए बना दिया। मतलब इन दोनों आरएनए ने, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री थे, इन्होंने डीएस आरएनए बना दिया। हमने क्या पढ़ा था, जो ये डीएस आरएनए है ये ट्रांसलेशन नहीं होने देता है आरएनए का, तो मतलब साइलेंसिंग कर देता है आरएनए की। तो जो आपने ये आरएनए, ये जो आरएनए थे, इसकी वजह से डीएस आरएनए बना और उसने इनिशिएट कर दिया आरएनए आई, मतलब आरएनए इंटरफेरेंसेस। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंस हो गया, मतलब उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। अब क्योंकि उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया तो साइलेंसिंग हो गई नेमाटोडा की। अब उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि पैरासाइट जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाया इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट, मतलब जिस होस्ट के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर उसके जीन्स में कुछ चेंज हुए हैं, उसमें वो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी वजह से क्या हुआ, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। तो इसमें जो प्लांट था उसने अपने आप को पैरासाइट से बचा लिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए आई इंटरफेरेंसेस की वजह से आपका प्लांट प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका क्या यूज़ है मेडिसिन में। द आरडीटी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये इमेंस इम्पैक्ट बना रहे हैं इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर, मतलब ये काफ़ी फ़ायदा है कर रहे हैं या ये काफ़ी बेनिफिट पहुंचा रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मोर एक सेकेंड हाँ इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स बन रहे हैं। फर्दर ये जो रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैं ये क्या करते हैं, दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, मतलब ये क्या करते हैं, ऐसे जो चाहिए नहीं बॉडी में या फिर जो सही नहीं है ऐसे रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस नहीं करते बॉडी के अंदर। और वो कॉमन होता था, मतलब ये केस पहले कॉमन होता था जब किसी नॉन ह्यूमन सोर्सेज से आपको चीज़ लेते थे, मतलब अगर आप कोई ड्रग्स के लिए या ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे सोर्स से कोई चीज़ लेते थे तो वो सक्सेसफुल नहीं होता था क्योंकि वो ह्यूमन के लिए अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता था। लेकिन जब हमने ये बनाना शुरू किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तो अच्छे फ़ायदे हुए। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use. अभी तक कुछ 30 recombinant therapeutics हैं जो अप्रूव हो चुके हैं human use के लिए world over में, और India में 12 of these are presently being marketed, मतलब 12 तो इनमें से बेचे ही जा रहे हैं। Now, genetically engineered insulin. मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाई टेकिंग इंसुलेटेड रेगुलर टाइम्स का। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों का इंसुलिन या तो बनता नहीं है या फिर अगर बन भी रहा है तो किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंट्रोल में नहीं है, मतलब इंसुलिन कम हो गया है बॉडी में तभी शुगर बढ़ रही है। इंसुलिन क्या करता है, बॉडी की शुगर को मेनटेन करके लगता है या कंट्रोल करता है। तो ये बोल रहे हैं कि जिसको भी डायबिटीज़ है उसको ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन लेने की। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? तो वो यही कह रहा है कि क्या एक पेशेंट करेगा अगर इतना इंसुलिन प्रोवाइड नहीं होगा या अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप इसको डिस्कस करें आपको पता चलेगा दैट किसी को आइसोलेट करना पड़ेगा एंड यूज़ इंसुलिन करना पड़ेगा फ्रॉम अदर एनिमल, मतलब दूसरे एनिमल से आइसोलेट करके यूज़ करना पड़ेगा। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल बी जस्ट एज इफेक्टिव एज द सेटेड विद ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ? तो वो यही पूछ रहा है कि जो आइसोलेटेड इंसुलिन होगा क्या वो भी इतना इफेक्टिव होगा जो नॉर्मल अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या ह्यूमन बॉडी से आप निकालोगे तो जो इंसुलिन होता है वो दोनों कंपेयर में सही होंगे और क्या वो रिस्पांस दे पाएगा। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरिया वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब उसने बोला कि आप सोचो कि सडनली आप इमेजिन करो कि एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो ह्यूमन इंसुलिन बना सकता है तो ये प्रोसेस कितना ईजी होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम इतनी तरक्की तो कर चुके हैं कि हम लोग बैक्टीरिया से वो चीज़ निकलवा सकें। You can easily grow a large quantity of the bacteria and make as much insulin as you need. Now, अब उसने क्या बोला कि आगे हमें पढ़ना है insulin used for diabetes. एक सेकेंड, इंसुलिन यूज़ फॉर डायबिटीज़ वॉर अर्लियर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल और पिग, मतलब जो पैनक्रियाज थे गाय वगैरह के या सुअर के या पिग्स के उनके पैनक्रियाज से ये इंसुलिन लेते थे। और जब ऐसे एनिमल सोर्स से लेते थे ना तो पेशेंट्स को ना एलर्जी हो जाती थी, मतलब उनको रिएक्शन हो जाता था उस इंसुलिन की वजह से। और इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, जो इंसुलिन होता है उसमें कुछ शॉर्ट्स पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक टुगेदर बाय डायसल्फाइड ब्रिजेस, दिखाया हुआ है यहाँ पे इस डायग्राम में। एक मिनट,
चेन ए एंड चेन बी, चेन ए और चेन बी है जो डाई सल्फाइड ब्रिजेस से क्या है, कनेक्टेड है, लिंक टुगेदर बाय डाई सल्फाइड ब्रिजेस। अब वो ये कह रहा है मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस हम बात करें, इंसुलिन सिंथेसाइज होता है एज अ प्रो हार्मोन, मतलब वो एक प्रो एंजाइम की तरह सीक्रेट होता है। द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम अ प्रो, जब किसी चीज़ के आगे लग जाता है मतलब वो कम्प्लीटली अपनी फॉर्म में नहीं है, जैसे प्रोटोटॉक्सिन था तो मतलब वो अभी कम्प्लीटली एक्टिव नहीं है। तो यहाँ वैसे ही लिखा है कि जो ये प्रो हार्मोन है इसको भी प्रोसेस होने की जरूरत है इससे पहले कि वो फुली मेच्योर और यूज़ हो। तो जो प्रो हार्मोन होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको कहते हैं सी पेप्टाइड। नॉर्मली इंसुलिन में ए और बी होते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, पर जो प्रो हार्मोन होता है उसमें एक एक्स्ट्रा होता है दैट इज सी पेप्टाइड। ठीक है, दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, और ये जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें ये सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता और ये मैच्योरेशन के टाइम पे ये निकल जाता है। ठीक है, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म। अब उसने क्या बोला कि जो मेन चैलेंज था इंसुलिन के प्रोडक्शन में वो यही था कि आपको असेंबल करना है मैच्योर फॉर्म में। अब एक बात करें तो 1983 में ये नाम कई बार आ जाता है, एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंसेस, उन्होंने दो डीएनए सीक्वेंसेस क्रिएट करे करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी, मतलब वो ए और बी से करस्पॉन्ड कर रहे थे चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, मतलब उन्होंने दो टाइप की चेन्स बनाए और उनको इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई के प्लाज्मिड में, जिसमें ताकि वो प्रोड्यूस करे इंसुलिन चेन। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अब वो ए और बी सेपरेटली प्रोड्यूस हुई एक्सट्रैक्टेड, उनको एक्सट्रैक्ट करा कर निकाला गया, उसके बाद उन्हें कंबाइन किया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के ताकि ह्यूमन इंसुलिन बन जाए। तो ये तरीका था जिससे मेडिसिन फॉर्म हुई या फिर मेडिसिनल वे में हेल्प किया, इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प किया।